So hello people, welcome back once again to the channel. I hope so Sunday video of job openings helped you a lot or at least gave you a hope that आप भी apply कर सकते हो. बहुत सारे openings हैं market में जो हम ढूंढ के आपके लिए ला पाते हैं. I hope so in the coming Sundays or weekends also we can get lot more openings. Yes, market is down at present in regards to job openings, but कोई बात नहीं दोस्तों. कंपनीज चल रही है, इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद खुल रही है धीरे धीरे विद सेफ्टी प्रिकॉशंस, और हम लगे रहेंगे टू लुक फॉर इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स टू प्रोवाइड रेफरेंसेस टू यू ऑल. जितना हो सके हमारे साइड से हम करते रहेंगे. और अगर आपके पास कुछ ओपनिंग्स या रेफरेंसेस है ऑफ एनी कंपनीज, डू लेट अस नो थ्रू द ईमेल आईडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. वी विल गेट द बेस्ट फॉर द सोसाइटी फ्रॉम दिस टाइम टू द टाइम पॉसिबल एंड एज एंड व्हेन दे रिक्वायर जॉब्स और दे आर लुकिंग फॉर. आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली मैं ले रहा हूँ ऑन दिस वेडनेसडे थर्सडे स्पेशल वीडियो ऑन बैलेंसिंग योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ नॉट बैलेंसिंग द प्रोफेशनल लाइफ विद पर्सनल लाइफ और बैलेंसिंग एज अ स्टूडेंट एंड योर फैमिली लाइफ एज अ चाइल्ड और अ किड विद योर पेरेंट्स विद ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और योर फ्रेंडशिप्स एक्सेट्रा. नो, ये बैलेंस नहीं सिखाऊंगा मैं आपको एक अलग स्तर पर बैलेंसिंग बता रहा हूँ कि द हार्डशिप्स दैट यू डू टूडे, जो मेहनत आप आज कर लोगे उसके लिए आपको इन फ्यूचर यू कैन बी रिलैक्स्ड. और जो चीज़ें मैं एग्जांपल्स के साथ ये चीज़ें बताऊंगा और साबित करूंगा वीडियो के एंड तक, शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा. और जो चीज़ें आप अभी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो या तो आप कंपनसेट कर रहे हो एज कम्पेयर टू हार्डवर्क, योर स्टडीज, मे बी योर जॉब एक्सपीरियंसेस. लॉकडाउन में उम्मीद नहीं करता बट खुलने के बाद और अभी जो ये फ्री टाइम मिला है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना, ये आपके हाथ में. So some people who do not bother in their lower standards of studies, maybe 5th, 6th, 7th, 8th में enjoy करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, 9th, 10th, 11th, 12th में बहुत तकलीफ होती है उनको. क्यों? उनको डबल पढ़ना पड़ता है, उनको बड़े बड़े क्लासेस लगाने पड़ते हैं या एकदम स्ट्रेस्ड अप होना पड़ता है विद देयर स्टडीज. Why is it so? Because उन्होंने अपना बेसिक्स पे वर्क नहीं किया और इतना कमज़ोर रखा है अपने पढ़ाई और बेसिक्स फाउंडेशन को कि अब उनको जोरों शोरों से पढ़ाई करनी पड़ रही है और ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है. जबकि अगर वो बेसिक्स पे तभी ध्यान दिया होता, शायद उन्हें किसी ने उस वक्त ये सब नहीं बताया तो इतनी तकलीफ अभी नहीं होती. आप मेरे साथ सहमत होगे, यू विल एग्री विद मी ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. देयरफॉर आई ऑलवेज से स्टिल अब तक लेट नहीं हुआ है. इफ़ यू आर इनटू 8th, 9th, 10th एक्सेट्रा स्ट्रगलिंग विद स्टडीज, सिट विथ योर स्टडीज एंड ट्राई टू डिवोट मैक्सिमम पॉसिबल टाइम एंड डेडिकेशन नाउ सो दैट फ्यूचर में जब आप कॉलेज में जाओगे आपको अफसोस नहीं होगा. नहीं तो कॉलेज भी बुरा मिलेगा, करियर की शुरुआत बहुत बुरी होगी एंड एंड में आपको ये मेहनत जो अभी थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, टाइम और मेहनत का इन्वेस्टमेंट कम लगता है एज कम्पेयर टू प्रपोर्शनेटली वो लाइफ के आगे के पार्ट में बहुत ज़्यादा लगेगा दोस्तों. जब आपको इसी को कंपनसेट करना होगा, कंपनसेट करना मतलब बैलेंस करना पड़ेगा. अगर आप आज इतने प्रेशर या जोर लगा के या मेहनत करके या डेडिकेशन कमिटमेंट के साथ अपने मूड को सेक्रीफाइस करके नहीं बैठते हो थोड़ा इंटेलेक्चुअल चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट करने, पढ़ाई के चीज़ों में, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, आईटी वर्ल्ड एंड लॉट मोर, अगर इन चीज़ों में आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो तो जितनी थोड़ी मेहनत आप आज नहीं करना चाहते उसका डबल, ट्रिपल, आई वुड से 10 times द मेहनत आपको आगे जाके करना पड़ेगा. और तभी वो मेहनत नहीं रहेगा, तभी वो स्ट्रगल बन जाएगा लाइफ का और पेशेंस लेवल तभी ख़त्म हो चुका होता है. तभी और डिफ़िकल्ट हो जाता है लाइफ में जब जैसे जैसे हम बढ़ते जाते, हम बड़े होते, हमारा स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भर जाती है धीरे धीरे. एंड दैट बिकम्स अ वेरी बिग चैलेंज इन लाइफ टू रन योर सेल्फ अलॉन्ग विद फुलफिलिंग दोज कमिटमेंट्स एंड चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स जो आप कोप अप करने की कोशिश करते हो. बट कोई जिंदगी आईने जैसी साफ तो है, कांच जैसा साफ है, लेकिन हम देखना भी नहीं चाहते कि हमने पहले कुछ नहीं किया जिसके वजह से आज हम सफ़र कर रहे हैं. तो हम मैनेज आउट कर लेते हैं, हम अडेप्ट टू द सिचुएशन कर लेते हैं. वी इंडियंस और वी ह्यूमन बींग्स हैव सच काइंड ऑफ नेचर. बट सच बात तो ये है क्योंकि कुछ चीज़ें हमने पहले नहीं की थी उसके वजह से हम भर रहे हैं, वी आर पेइंग फॉर इट. सो इट विच एवर पॉइंट ऑफ लाइफ यू आर, इफ़ यू आर इन अ स्कूल और प्राइमरी एजुकेशन आप ले रहे हो या स्कूल गोइंग किड यू आर इन सेकेंडरी और यू आर वर्किंग और यू आर taking some experience along with your junior college, that is 11th, 12th, and or
इफ यू आर विद योर डिग्री स्टडीज. सो यू कैन सिट एट योर होम, यू कैन डू योर सब्जेक्ट्स वेल. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, आप सब्जेक्ट्स में वही चीज पढ़ते हो जो बाहर कॉर्पोरेट में हो रहा है. बिकॉज जो ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है और जिनके अंदर ये इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस है, दे आर नॉट मैड टू मेक दोज कोर्सेज एंड करिकुलम एंड गिव इट टू यू. उसमें कुछ सेंस है, कुछ जरूरत है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट मार्केट, जिससे आप पैसा कमा सकते हो इन फ्यूचर. इसलिए वो करिकुलम डिजाइन करके आपके पास आता है. क्योंकि मैं दोनों चीज से जुड़ा हुआ हूँ, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट एंड बीइंग इनटू एजुकेशन फील्ड फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, और उसके पहले तकरीबन 17-18 साल की तो पढ़ाई हुई है, नर्सरी से लेकर उससे ज़्यादा 22-23-24 साल तक चलती रही पढ़ाई एमकॉम एमबीए एमफिल करते हुए. सो और अभी कॉर्पोरेट लाइफ देख रहा हूँ पिछले 10 साल से, द प्रोफेशनल वर्ल्ड. सो देयरफॉर विद सच एक्सपीरियंस, मेरे से बड़े महारथी भी होंगे आपके आसपास, उनसे भी बात कीजिए. जरूरी नहीं है आप सिर्फ मेरे शब्दों पे यकीन करें और आगे बढ़े. टॉक टू सच पीपल हु आर क्वालिफाइड, योर पेरेंट्स, योर रिलेटिव्स, योर सीनियर कलीग्स. तो आपको पता चलेगा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लॉकडाउन का एक्सक्यूज दे के आप घर पे बैठने से अच्छा या अपने दुनिया में रहने से अच्छा, आप, मैं ये नहीं कहूँगा बाहर निकलिए, आप घर पे भी बहुत सारे प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकते हैं, कुछ वीडियोस देख सकते हैं जो आपको नॉलेज दे आपके कोर्स के रिलेटेड, बीएमएस, बैफ, बीबीआई, 11th साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और डिग्री, बीएससी, आईटी, बीएमएम, या अगर आप स्कूल में हो तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, कंप्यूटर कोर्सेज, आईसीटी, योर लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, संस्कृत, या जो आपका रीजनल लैंग्वेज है अगर आप मुझे कोई और स्टेट से सुन रहे हो या देख रहे हो, ये सारी चीज़ों पे आप अगर होल्ड पाओगे, कंट्रोल पाओगे, पॉलिश करोगे, तो इन फ्यूचर में ये घिसे पीटे डायलॉग नहीं मारूंगा, स्टीरियोटाइप या मोनोटोनस थिंग्स दैट आप फ्यूचर में पछताओगे या आपको अफसोस होगा, आप बैलेंस करोगे. वी पीपल, हम जैसे एक कहावत है, हम लाइफ में कुछ ना कुछ तो हमारे जिंदगी के साथ कर ही लेते हैं, बट हमें कुछ ना कुछ अगर करना है विदाउट प्लानिंग, देन डोंट एक्सपेक्ट अ गुड लाइफ विद अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद गुड अर्निंग्स एंड देन लुकिंग एट अदर्स जो बहुत कमा रहे हैं या जिनके घर बंगले गाड़ी है, उनको देख के हम बोल रहे हैं यार इन्होंने तो बहुत कमा लिया यार, बहुत अमीर है. वो अमीर इसलिए क्योंकि उन्होंने एक समय वैसे दिन देखे हैं जब आप एंजॉय कर रहे थे. आई ऑलवेज से दिस, आई वोंट से हैव अ टफ लाइफ, हैव अ चैलेंज एंड स्ट्रगलफुल लाइफ, हैव अ लाइफ वेर इन आपको सांस लेने को वक्त नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा. लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपसे कि हर वक्त हर सेकेंड ये सोचिए वेदर यू आर एडिंग समथिंग टू योर लाइफ और नो. इफ यू आर नॉट एडिंग ईच डे टू योर लाइफ विथ योर वर्क कमिटमेंट या नॉलेज या इंफॉर्मेशन या जिंदगी के तौर तरीके, किसी की मदद करना, सोसाइटी में जाना, सीखना, लाइफ देखना, न्यूज़ देखना, न्यूज़ पेपर्स पढ़ना, खास करके न्यूज़ पेपर्स पढ़ना फॉर नॉलेज, एनालाइज करो कौन सा कंपनी कितने एडवर्टीजमेंट्स दे रहा है, ओपनिंग्स लेके आ रहा है, देश में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स कैसा चल रहा है. पॉलिटिक्स में घुसो मत, बट नॉलेज तो रखो, क्योंकि उससे हमारा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स इंस्पायर होता है, उससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारा लाइफस्टाइल उस पर डिपेंड करता है. इतने सारे चीज़ें हैं दोस्तों टू अंडरस्टैंड अबाउट लाइफ, करियर, यूटिलाइज योर टाइम, डेडिकेशन, डिवोशन. आप अगर आज टाइम पास कर रहे हो और लॉकडाउन को दोषी ठहरा रहे हो, तो सारा देश और बाकी लोग भी लॉकडाउन में ही चल रहे हैं और कामयाबी हासिल कर रहे हैं. फेजेस विल चेंज इन लाइफ, सिचुएशंस विल कम, इट्स यू हु हैव टू डिसाइड कि आपको ये सिचुएशन का बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कैसे निकालना है. मैं वेस्ट तो नहीं कहूँगा क्योंकि हम सब जिंदा हैं, हम सब अच्छा कर रहे हैं और लाइफ आज भी चल रही है. वैक्सीनेशंस आ गए हैं, होपफुली दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि थर्ड फेज इतना हार्शली इफेक्ट ना हो या बुरी तरीके से इफेक्ट ना हो, और हम सब जिंदगी तो ऐसे ही चलाएंगे. थोड़े वक्त के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तब आपको अफसोस होगा कि आपने ये पीरियड चला गया, बट आप बहुत कुछ कर सकते थे, आप में वो यूनिकनेस था, लेकिन आपने शुरू तक नहीं किया. शुरू करने के लिए थोड़ा पेशेंस लगेगा, बट इट विल जस्ट टेक 21 डेज टू मेक इट अ हैबिट एंड देन फॉलो इट रेगुलरली. सो मेक सम चेंजेस इन योर लाइफ सर्च. वी आर गोइंग टू चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वेडनेसडे थर्सडे वीडियो बाई हैविंग सम ड्रामेटिक सिचुएशंस विद सम रोल प्लेज एंड स्किट्स फॉर यू पीपल. कुछ ऐसे चीज़ें हम करेंगे दैट थ्रू सम पीपल वी आर गोइंग टू इंक्लूड इन आवर चैनल, ओके, एंड वी आर गोइंग टू शोकेस सम सर्टेन थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड इन लाइफ, इन करियर, इन एजुकेशन एंड इन करियर मेकिंग. दैट इज हाउ टू अटेम्प्ट एन इंटरव्यू, हाउ टू हैव एन अप्रोच इन लाइफ, हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, कल्चर, फैमिली, फ्रेंड्स एंड लॉट मोर वीडियोज वी आर गोइंग टू कम ऑन दिस एजुकेटिव एंड करियर रिलेटेड वीडियोज ऑन वेडनेसडेज एंड थर्सडेज एंड संडेज. को तो हमेशा की तरह जॉब्स लाऊंगा दोस्तों, जॉब मार्केट डाउन है. रिसेंटली आई वॉज गोइंग थ्रू टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स एक्सेंट,
आई डोंट नो वेदर लेस ओपनिंग्स उनको मिला या सच में मार्केट में कम ओपनिंग्स और वैकेंसीज है. सो स्टे ट्यून टू अवर चैनल विद सच लॉट ऑफ ओपनिंग्स इन्फॉर्मेटिव थिंग्स ओपनली सीधी बात डायरेक्टली फॉर यू पीपल विथ विच यू शुड बी कंसर्न. मैं डायरेक्ट वो बातें करता हूँ जो हम दुनिया में देखते हैं, जो फील्ड विजिट करके मैं सीखता हूँ, जो कॉरपोरेट्स विजिट करके सीखता हूँ, जो अपने इंडस्ट्री कंपनी इंस्टीट्यूट से सीखता हूँ एक्सपीरियंस से और पढ़ लिख कर, क्योंकि रिसर्च सिर्फ दुनिया देख के नहीं आएगा, हमें पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, करना है. टाइम टू टाइम खुद को अपडेट कीजिए, सिखाइए और हर दिन सोने से पहले इतना देखिए कि आपने समाज के लिए कोई कुछ ऐसा भला काम किया या एटलीस्ट अपने घर वालों का साथ दिया आपने कुछ चीज़ों में कि उनको एक प्रोत्साहन मिले, उनको शक्ति मिले कि यस हमारा बच्चा हमारे घर का लड़का या लड़की आगे बढ़ रही है जो फ्यूचर में सिर्फ हमें नहीं समाज में भी एक बदलाव ला पाएंगे. और एट दी एंड सी दैट यू हैव एडेड टू योर लाइफ, योर पर्सनैलिटी, योर माइंड, योर मेंटालिटी, एप्टीट्यूड, इंटेलेक्चुअल अलॉट. दैट विल मेक यू हैप्पी, दैट विल मेक यू सेटिस्फाइड इन योर लाइफ टू बी कॉन्फिडेंट एंड मूव अहेड एंड टू डिजाइन अ वेरी यूनिक पर्सनैलिटी दैट यू ऑलरेडी आर. सिर्फ तराशने की देरी है और सामने लाने की देरी है. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ माय फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ. इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सब्सक्राइब इट, इट्स फॉर यू, इट्स कंप्लीटली फॉर यू. आई एम अ फैकल्टी बाय प्रोफेशन एंड आई एम जस्ट डूइंग दिस फॉर द सोसाइटी, फॉर द यंगस्टर्स टू क्रिएट एन एनर्जी जितना हो सके पॉसिबल, जितना लाइफ ने हमें दिया है या समाज ने बाकी लोगों ने दिया वो हम शेयर करना चाहते हैं लोगों की खुशी के लिए. धीरे धीरे और समझेंगे और सीखेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे. सो डोंट बी टेंस्ड इन योर लाइफ, जस्ट बी हैप्पी, हैप्पी एंड हैप्पी एंड हैव सम मोटिवेशन क्वेश्चन टू बी हैप्पी. मैं मेरे बोलने से आप खुश नहीं रहोगे, कुछ ऐसे चीज़ें लाइफ में रखो जिससे आप खुश होते हो, आपके पैशन, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके भाई बहन, आपके कुछ चीज़ें जिसको आप अरेंज करके उसमें रह के उसमें इन्वॉल्व होकर खुश रहते हो. बट डोंट मेक एनीथिंग योर एडिक्शन, आदतें मत बना लो, वो जब नहीं मिलेगा आप दुखी हो जाओगे, आप टूट जाओगे. Okay, so enjoy your life in this way and take care of yourself. Do like, subscribe and share this video till the extent possible. Namaste, Sat Sri Akal aur aadab dosto.